नमस्कार मित्रों, प्रकाशन उत्तराखंड के लिए देहरादून से मैं अनिल रावत। सबसे पहली खबर दुखद है। डोईवाला थाना क्षेत्र में एक 45 वर्षीय महिला बाला देवी व उनकी बेटी 17 वर्षीय सलोनी, इन्होंने चुन्नी अपने को कमरे में बंद किया और चुन्नी से फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। वहीं पुलिस का कहना है कि मौके से सुसाइड नोट बरामद किया है और ये आत्महत्या का मामला माना जा रहा है और इसकी जांच पुलिस कर रही है। वहीं दूसरी खबर की बात करें तो हमारे प्रदेश के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी संजय गुंजियाल, उनको प्रदेश सरकार ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। वे पहले भी कई बड़े पदों पर रह चुके हैं, अब उनको प्रदेश इंटेलिजेंस का प्रमुख बनाया गया है। वहीं तीसरी खबर की बात करें तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उन्होंने वर्चुअल बैठक की राज्यों के साथ, जिसमें उत्तराखंड के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन कौशिक, उनके साथ भी बैठक की। उन्होंने कहा कि 30 तारीख को मई को मोदी सरकार के 7 साल पूरे हो रहे कार्यकाल, तो इस मौके पर उन्होंने सांसद, विधायक, मंत्री, पदाधिकारी इन्हीं सबसे आदेश किया है कि इस मौके पर गांव-गांव, दूरस्थ गांव-गांव तक जाएं और लोगों से संवाद बनाएं और 50,000 यूनिट रक्त का भी उन्होंने लक्ष्य रखा है एकत्र करने का। और उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष हमारे मदन कौशिक, उन्होंने कहा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनके द्वारा जो हमें दिशा निर्देश दिए गए हैं, प्रदेश संगठन ने उसकी तैयारी पूरी कर ली है। राज्य आंदोलनकारी संदीप चमोला, जो कि वर्तमान में सचिवालय में समीक्षा अधिकारी के पद पर तैनात थे, उनकी कोरोना के चलते सोमवार को मृत्यु हो गई। वे काफ़ी समय से संक्रमित थे और एम्स ऋषिकेश में उनका इलाज चल रहा था। जो आंदोलनकारी संगठन है, आंदोलनकारी है, उनमें शोक की लहर है और प्रदेश के जो विधानसभा अध्यक्ष है प्रेमचंद्र अग्रवाल, उन्होंने भी उनकी मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त किया है। वहीं बात करें ब्लैक फंगस की, ब्लैक फंगस के अब तक करीब 62 मामलों की पुष्टि उत्तराखंड में हो चुकी है, जिनमें सबसे ज़्यादा मामले देहरादून में हैं और करीब 8 लोगों की इसमें जान भी जा चुकी है। वहीं ब्लैक फंगस के बाद अब येल्लो फंगस का भी मामला सामने आया है। गाजियाबाद में 45 वर्षीय एक व्यक्ति को इसकी पुष्टि हुई है येल्लो फंगस, वो ब्लैक फंगस से भी पीड़ित है और अब उनमें येल्लो फंगस की पुष्टि भी हुई है। जो ENT विशेषज्ञ हैं डॉक्टर BP त्यागी, उन्होंने बताया कि पहली बार जब हमने टेस्ट किया तो सामान्य निकली रिपोर्ट, लेकिन जब दूसरी बार टेस्ट किया गया तो उसमें येल्लो फंगस का होना पाया गया। वहीं कोविड संक्रमण की अगर बात करें तो प्रदेश स्वास्थ्य विभाग ने जो कल मेडिकल बुलेटिन जारी किया है उसके अनुसार करीब मामले बहुत कम हो गए हैं, लेकिन मृत्यु कम नहीं हो पा रही है अभी। वहीं अगर देखें तो करीब 2071 मामले सामने आए हैं कल, 95 लोगों की मौत हुई है कल और करीब राज्य में अब तक जो मौतें हो चुकी हैं करीब 5,927 और जो संक्रमित के मामले हैं कुल एक्टिव केस वो करीब 50,000 से थोड़े से कम हैं। वहीं कुल मामलों की बात करें कोरोना संक्रमित की तो करीब 3,15,590 संक्रमित अब तक हुए हैं, जिनमें से बाकी ठीक भी हो चुके हैं। रिकवरी बात करें तो रिकवरी रेट बहुत अच्छा है प्रदेश में, फिलहाल करीब 7,051 लोग कल ठीक होकर घर लौटे हैं और टेस्टिंग की बात करें तो कल 32,214 लोगों का टेस्ट हुआ है। वहीं आज काबीना मंत्री बंसीधर भगत नगर व आवास विकास की बैठक करेंगे। माना जा रहा है कि कोरोना संक्रमण के चलते जो दिक्कतें आम लोगों को आ रही है, शायद वो उनमें कुछ लोगों को रियायत दें, तो ये रात भरी खबर भी हो सकती है, लेकिन जब बैठक के बाद निर्णय आएगा तभी ये हम जान पाएंगे कि क्या स्थिति है। बात करते हैं राज्य के मौसम। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में आज मौसम शुष्क रहने वाला है। राजधानी देहरादून की बात करें तो हल्के बादल छाए रहेंगे, वहीं अधिकतम तापमान करीब 36 डिग्री और न्यूनतम 21 डिग्री रहने वाला है। धन्यवाद, और मैं आपसे अंत में फिर कहूँगा, आप हमारे चैनल के साथ, प्रकाशन उत्तराखंड के साथ जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।